फाइनली जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो इस बार इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसके कुछ ऐसे भी टेस्ट सेंटर है जो कि अदर स्टेट में थे, उसका टेस्ट सेंटर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, जामिया के ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा और उसके बाद हल्का सा स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो आपको ये जो लेटेस्ट में जो नोटिस एंड ऑर्डर का जो सेक्शन, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, इसी में आपको नंबर वन पे यानी फर्स्ट पे जो है आपको नोटिस फॉर चेंज ऑफ वेन्यू सिटी करके मेंशन है। अब इसको क्या करना है, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही जब डाउनलोड करेंगे इसे, इसके बाद एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इसमें याद रहे वही टेस्ट सेंटर चेंज हुए हैं जो इसमें मेंशन है। इसके अलावा जितने भी टेस्ट सेंटर हैं जो प्रोस्पेक्टस में जो आपने फॉर्म फिल किया वही आपका, वहीं आपका एग्ज़ाम होगा। तो फिर से रिकॉल कर दे, इसमें जो मेंशन है उसी का ही चेंज हुआ है। इसके अलावा जितने भी कोर्सेस हैं उसका कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब जहाँ आपका एग्ज़ाम होगा, जहाँ आपने टेस्ट सेंटर अपने फॉर्म में डाला है वहीं एग्जाम होगा। अगर आप इसमें सबसे पहला देखें, जो अगर इसमें देखें तो 7.3 क्लॉज पेज नंबर 39 पेज प्रोस्पेक्टस में जाएंगे तो वहां पे इंट्रेंस टेस्ट सेंटर के बारे में दिया हुआ है कि कहां कहां होता है। एक तो सबसे पहला दिल्ली हो गया, इसके अलावा कुछ और भी सेंटर, लेकिन उससे पहले अगर बीएड का इस बार इंट्रेंस टेस्ट सेंटर देखें तो दिल्ली में ही हो रहा है, जो कि गुवाहाटी में भी था, श्रीनगर में भी था, कोलकाता और श्रीनगर में भी था इस सब का, लेकिन इस बार जो है चेंज करके यहाँ दिल्ली कर दिया गया है। एमएड का भी साथ भी सेम सीन है, एमटेक के साथ भी दिल्ली ही कर दिया गया, मतलब जो लखनऊ गुवाहाटी या पटना में होना था वो दिल्ली कर दिया गया। इसके साथ ही एमटेक का भी पेपर दिल्ली में ही कर दिया गया। अगेन पेपर कोड समझिएगा, पेपर कोड ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखें तो इसका भी दिल्ली में ही कर दिया गया है, और अगेन एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का दिल्ली में ही कर दिया गया। एमसीए का पेपर देखें तो ये भी दिल्ली में ही हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जामिया में ही होगा। ये एमबीए का जो फुल टाइम जो बताया जा रहा है ये भी आपका दिल्ली में ही होगा। अच्छा, इसमें आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये वैसा सेंटर थे जो आउटसाइड जो दिए गए थे लाइक पटना कोलकाता, इसमें जो फॉर्म जो फिल हुआ 50 से कम हुआ है, क्योंकि जामिया के प्रोस्पेक्टस में ही बताया गया यही कि अगर 50 से कम बच्चे फॉर्म फिल करेंगे तो वैसे में जो इनका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है वो दिल्ली में ही रहेगा, अदर जगह सेंटर को कैंसिल कर दिया गया, वही हुआ है इस बार। सो बस देख ले, ये जामिया के ऑफिसर लोग हैं और वैसे स्टूडेंट जो इस बार फिल किया वो एक बार देख ले। थैंक यू, और इसको चाहे तो सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।